इंदौर पुलिस ने नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 20 लाख का माल भी जब्त किया है। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र के पलदा में कुछ दिन पहले मोटर बनाने की फैक्ट्री से 20 लाख का कॉपर वायर चोरी हुआ था। घटना के बाद से ही पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्रों को सक्रिय किया और गिरोह का पता लगाने को कहा। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग इलाके में घूम रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच और भवरकुआ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी भी शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहले देवास नाके से एक ट्रक चोरी किया, उसके बाद देर रात को घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम अमित, जस्सी, लोकेंद्र, बंटी, भगवान गिरी, राहुल और हनीफ है। पुलिस ने इनके कब्जे से 20 लाख रुपए कीमत का कॉपर वायर भी बरामद किया है। सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड है। फिलहाल पुलिस इनसे और भी मामलों में पूछताछ कर रही है। 22-23 जुलाई की दरमियानी रात में थाना भवरकुआ के अंतर्गत एक पालदा एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कई मध्यम स्तरीय फैक्ट्रीज हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़े स्तर पर व्यापार किया जाता है और उसी में एक मीरा फैक्ट्री है जो मूल रूप से जो सब मर्सिबल पंप्स हैं जिनका उपयोग पानी निकालने के लिए किया जाता है उसमें मुख्य रूप से कॉपर वायर का अधिक उपयोग होता है और उनके यहाँ काफ़ी कॉपर वायर लाया गया था और उसके बाद में रात की दौरान उनका जो दरवाज़ा तोड़ करके एक घटना हुई जिसमें से लगभग 20 लाख के आसपास का कॉपर वायर चोरी हुआ था और महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस कॉपर वायर चोरी करने में और इसको ले जाने में एक ये भी कुछ फुटेज प्राप्त हुई थी कि ट्रक का उपयोग हुआ था। इस घटना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम को कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ मिली थी और उसमें पूरा जो CCTV फुटेज है उसका काफ़ी कनेक्शन कुछ लिंक्स बनाए गए थे और उसके आधार पर जानकारी ट्रक की मिली। उसके बाद कुछ आरोपियों की जानकारी मिलने के बाद थाना भवरकुआ और क्राइम ब्रांच की टीम ने जॉइंट एक ऑपरेशन किया और उसमें कुल अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जिसमें ये आरोपी दो ग्रुप्स में हैं। एक तो वो आरोपी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और दूसरे कुछ ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने जो माल था उसको खरीदा था। अब तक लगभग कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो आरोपियों ने सबसे पहले अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से ट्रक को चोरी किया क्योंकि जो कॉपर वायर था वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में था, तो इन्होंने देवास नाके के पास में ट्रक को चोरी किया और उसके बाद उस ट्रक का उपयोग करते हुए घटना कारित की और घटना कारित करके पूरा जो सामान था उसको एक जगह मांगलिया में अनलोड किया जाके और उसको पुनः उस ट्रक को देवास नाके पर लावारिस छोड़ दिया। तो अभी इसमें कॉपर वायर और 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जब सामान भी जब्त किया गया। अभी ट्रक की जानकारी नहीं मिल पाई है, जो ट्रक था उसके बारे में कुछ जानकारी ये जरूर मिली है तो उसको भी जब्त किया जाएगा घटना में। और इसमें पूछताछ में ये बात भी आई है कि ये जो आरोपी हैं वो काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे, ये न केवल यहाँ पालदा में बल्कि जो अन्य इंडस्ट्रियल एरिया हैं इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनमें चोरियाँ करते थे और चोरी के बाद ये माल को बेच दिया करते थे और पैसे आपस में बांट लिया करते थे।